स्कूलों में प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुनने के लिए स्टूडेंट्स में खासा उत्साह नजर आया। मोदी सर की स्पेशल बातें बच्चों के दिल को छू गई और उन्होंने मोदी सर के स्पेशल क्लास में शामिल होने के लिए खुशी भी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास को लेकर शासकीय स्कूलों में विशेष इंतजाम किए गए थे। स्कूली शिक्षकों ने इस आयोजन को लेकर बच्चों में उत्साह होने की बात कही। सभी शिक्षक आज सब बच्चे बिफोर टाइम उपस्थित थे सिर्फ प्रधानमंत्री के संवाद को सुनने के लिए और बहुत उत्साह में हैं सारे विद्यार्थी। आप देख भी रहे हैं हमारी पूरी स्ट्रेंथ आज है। बहुत कम बच्चे एब्सेंट हैं, मुश्किल से 1 या 2%। कल से ही बच्चों में जैसे ही उनको बताया गया तो बहुत उत्साह था। बच्चे भी पूरी तैयारी से आज समय के पूर्व ही आ गए और खूब डिसिप्लिन में अनुशासन के साथ में सारे बच्चे बैठे हुए अभी भी आप देख रहे हैं कि सुन रहे हैं बहुत अच्छे से। और प्रधानमंत्री जी का जैसे पिछले साल भी रहा जो उद्बोधन होता है बहुत प्रेरणादायक होता है और बच्चों को उससे आगे बढ़ने की काफी कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है और बच्चों में बहुत उत्साह का माहौल रहता है। वहीं बच्चों ने भी प्रधानमंत्री की कही बातों को अपने लिए प्रेरणा देने वाली बताया। बच्चों ने प्रधानमंत्री को सुनते हुए खुशी जाहिर की। तो देश भर के स्कूली बच्चों को आज प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं और बच्चों से अपने दिल की बात करने के लिए प्रधानमंत्री आज हैं। बच्चों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। आइए बात करते हैं कुछ स्कूली बच्चों से कि उनमें किस तरह से उत्साह है। बताएं प्रधानमंत्री जी आज सीधे बच्चों से रूबरू हो रहे हैं, आपने भी उन्हें सुना, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? मुझे अच्छा लग रहा है वैसे, मतलब प्रधानमंत्री जी जो बातें कर रहे हैं ना बच्चों से, मतलब उससे भारत देश के बारे में पता चल रहा है कि भारत देश का स्कूली शिक्षा विभाग किस तरीके का कार्य कर रहा है और बच्चे किस तरीके से आगे पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आईटी में जो आगे आगे डेवलप किया है तो उससे हमारे भविष्य के लिए हमें नए नए रास्ते खुल रहे हैं। बिल्कुल, आइए कुछ और बच्चों से जुड़ते हैं। आप बताएं कि प्रधानमंत्री जी आज बातें कर रहे हैं बच्चों से, किस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और क्या आप आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के जो बातें हैं उन्हें किस तरह से आप अपनाएंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि प्रधानमंत्री हमारी आने वाली शिक्षा नीति, आगे जो फ्यूचर है हमारा, उसके बारे में और सुधार करें शिक्षा नीति में। और जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसके लिए भी टीचर्स थोड़ा हमको टीच करें इस आगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगी। बिल्कुल, यदि बात करें कि बच्चे प्रधानमंत्री से आज सवाल पूछते थे, इन बच्चों को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का मौका मिलता तो आखिर वह कौन सा सवाल होता जो ये पूछते हैं? आइए सीधे इनसे जानते हैं। बताएं यदि आपको प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिलता तो कौन सा सवाल आपके जहन में उठकर आता है जो आप प्रधानमंत्री से पूछते? एक पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे साथ से जुड़ रहे हैं सीधे। और बस यही है क्वेश्चन कि मतलब सारे टीचर्स हमें इतना अच्छे से पढ़ाते हैं और हमारा इतना ध्यान रखते हैं, जैसे वो बता रहे हैं कि हम पूरा दिन शिक्षकों के साथ रहते हैं और परिवार वालों के साथ थोड़ा कम रहते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सवाल यही है कि मतलब हमारे इंडिया में बहुत शिक्षक, मतलब बच्चे पढ़ता है बचपन से और चाहता है कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पर बहुत कम होते कि शिक्षक बनना चाहते हैं। तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि मतलब शिक्षकों के लिए और ज़्यादा मतलब होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, तो ये बच्चों के विचार हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को भी कह रहे हैं कि आज शिक्षक बनने की चाह बच्चों में नहीं है। प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहते हैं और बच्चों से जानते हैं, आप बताएं किस तरह से उत्साह है इस तैयारी को लेकर और खासकर जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? ये हमारी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमको मतलब प्रधानमंत्री का इस तरह से संबोधित कर रहे हैं और हम लोग उसको देख पा रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और हम और भी उनसे जानना चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में मतलब हमारे देश में क्या क्या विकास होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए बस। थैंक यू। बिल्कुल, तो स्कूली बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की इस पहल का बच्चे स्वागत करते नजर आ रहे हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में देश के भविष्य कहलाने वाले बच्चे प्रधानमंत्री की बातों को आत्मसात करेंगे और देश के विकास में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना योगदान जरूर देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ मैं राहुल तिवारी, डी लाइव न्यूज़ इंदौर।